हल्द्वानी पुलिस और एसओजी ने लाखों के स्मैक के साथ सप्लायर सहित एक अन्य तस्कर को गिरफ्तार किया। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि मुखाने पुलिस और एसओजी की ओर से मंगलवार रात को मुखाने क्षेत्र में जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान धर्मकाचा मार्ग पर एक मकान के गेट के पास एक संदिग्ध व्यक्ति कुछ युवकों के साथ खड़ा दिखाई दिया। इस दौरान पुलिस को देखकर युवक वहां से भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर पुलिस टीम ने संदिग्ध व्यक्ति का पीछा कर उसे दबोच लिया, जिसकी तलाशी में उसके पास से 110 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। वहीं आरोपी कैलाश शर्मा उर्फ चीमा पूछताछ में बताया कि वह स्मैक को हल्द्वानी गांधी नगर से आनंद चंद्रा नामक व्यक्ति से खरीद कर लाता है और हल्द्वानी समेत पहाड़ी क्षेत्र में बेच देता है। इधर आरोपी की निशानदेही और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुख्य सप्लायर आनंद चंद्रा को सत्यनारायण गली मदर डेयरी के पास से गिरफ्तार कर लिया है और तलाशी में 12 ग्राम स्मैक बरामद किए, जबकि पूछताछ में मुख्य सप्लायर ने बताया कि वह स्मैक को रुद्रपुर के रहने वाले गुड्डू भाई बिरयानी वाले से खरीद कर लाता है और हल्द्वानी समेत पहाड़ी क्षेत्र में अपने एजेंटों के माध्यम से सप्लाई करता है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपका 112 की गाड़ी को हमारी एक सस्पेक्टेड आदमी बैग के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। एसओजी और मुखानी पुलिस ने कम्बाइंड अभियान चला करके उसको गिरफ्तार किया। उससे 110 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसका नाम कैलाश शर्मा है। इससे पूछताछ में इसके द्वारा आनंद से स्मैक लाना बताया गया। इसमें हल्द्वानी पुलिस और एसओजी द्वारा एक कम्बाइंड अभियान चला करके मदर डेयरी के पास से आनंद को गिरफ्तार किया गया मोटरसाइकिल से। इससे 12.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें जो मेन कल्प्रेट है उसका रुद्रपुर का होना ज्ञात हुआ है। उस पर पुलिस शीघ्र ही बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इसमें जो कम्बाइंड अभियान एसओजी हल्द्वानी पुलिस और मुखानी द्वारा चला करके जो दो व्यक्तियों को इसमें के साथ बरामद किया है, इसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की।